जैसे कि आपको पता है कि अभी सऊदी अरब ने 31 मार्च तक के लिए लैंड एयर सी सारे बंद कर दिए थे, मतलब कि 31 मार्च के बाद उन्होंने खोलने का ऐलान किया था। लेकिन अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सऊदी गजट में भी देख सकते हैं आप, गल्फ न्यूज में भी देख सकते हैं, खलीज टाइम में भी, बहुत सारे न्यूज वेबसाइट में देख सकते हैं कि वहां से ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि सऊदी अरब ने जो ऐलान किया था कि 31 मार्च से सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे फ्लाइट के इंडिया से और या किसी भी कंट्री के लिए, तो अब जो है सऊदी अरब ने ऐलान चेंज कर दिया है। मीन्स कि नए रूल के अकॉर्डिंग अब ये बहुत ही बैड न्यूज है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो सऊदी अरब जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो मैन पावर कंसल्टेंट है इंडिया में, सबसे ज्यादा सऊदी अरब का काम करते हैं, और सऊदी अरब में जो गल्फ में लोग जाते हैं सबसे ज्यादा सऊदी अरब में रहते हैं। इंडिया के लोगों की अगर बात करें तो वो भी सऊदी अरब में सबसे ज्यादा जॉब के लिए जाते हैं। फिलहाल जो जॉब के लिए जा रहे थे वो दुबई से होके जा रहे थे अभी, लेकिन नई खबर के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने 31 मार्च से अपना जो लैंड सी है और एयर है ये सारे जो बॉर्डर्स थे खोलने के बजाय अब बढ़ा दिया है मई से, 17 मई 2020 से जो भी ओपनिंग होंगी 17 मई 2020 से होगी लैंड सी एयर और बॉर्डर सारे ओपन किए जाएंगे, ये कंफर्म न्यूज बता दी है। मीन्स की जो वेबसाइट देखेंगे आप, अगर गजट में भी देखेंगे तो भी आ गई है, सऊदी की ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे, गल्फ न्यूज में भी देखेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये बढ़ाया क्यों गया है। बहुत सारे लोगों को ये होगा कि भाई वहां पे कोरोना के बढ़ते केसेस हैं, इस डर की वजह से है, न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, जिसकी वजह से, जैसे कि आपको पता है ब्रिटेन से जो आया था उसकी वजह से हो सकता है बैन कर दिया गया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने जैसा कि अभी ऐलान किया था कि हमारे यहाँ पे जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हम नहीं ओपन करेंगे, तो वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो वैक्सीन वहां पे पहुंचने वाली थी अभी तक लोगों तक पहुंच नहीं पाई है, तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो बॉर्डर ओपन नहीं करेंगे, मतलब कि वो फ्लाइट्स चालू नहीं करेंगे। तो फिलहाल इस डर की वजह से भी कह लें आप, और या अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से भी, जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया था कि सऊदी अरब से आना जाना फ्लाइट चालू है, लेकिन जो डॉक्टर्स हेल्थ केयर वर्कर हैं वो उन लोगों के लिए है, एम्बेसी में वीजा सबमिशन भी हो रहा है, लेकिन सऊदी इसके अलावा किसी भी तरीके की प्रोफाइल या कैटेगरी को अभी वीजा इश्यू नहीं कर रहा है। बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने इंटरव्यू भी लेना चालू कर दिया था इस उम्मीद में कि 1 फरवरी मंथ बाकी है, फिर उसके बाद मार्च लास्ट तक फ्लाइट चालू हो जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब के इस ऐलान के बाद में बहुत सारे लोगों के दिमाग में अब ये आ गया है कि शायद जिस उम्मीद में उन्होंने ऑफिस खोल के रखा था, शायद उन्हें ऐसा लगता है कि अब ऑफिस को भी क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि 17 मई का मतलब यह है कि उसके पहले रमजान और रमजान के बाद ईद है और ईद के बाद में फ्लाइट खोलने का ऐलान हुआ है, तो उसके बाद क्या वाकई में ये बात कंफर्म है कि वहां से खोल दी जाएंगी सऊदी अरब, ये ओपन कर देगा बॉर्डर अपने, अभी इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि सऊदी अरब ने बहुत सारे चेंजेस पहले भी किए हैं, बहुत सारे जो प्लानिंग की थी, बहुत सारे रूल्स जो थे वो भी चेंज हुए थे। अभी एयर बबल की जैसे कि आपको बात पता चली होगी कि सिविल एविएशन हिंदुस्तान से और सऊदी अरब से बातचीत हो रही है कि एयर बबल अग्रीमेंट चालू कर दिया जाए, और अभी कल ही एक न्यूज आई थी 1 फरवरी से शायद इंटरनेशनल इंडिया की फ्लाइट चालू होने वाली है, तो उसमें भी मैंने ये बात क्लियर की थी कि जो आउट ऑफ कंटेनमेंट जोन एरिया है वहां की जो एक्टिविटीज हैं वो चालू होने वाली है। मीन्स की जो स्विमिंग पूल वगैरह है, जो जो कंटेनमेंट जोन के बाहर थे, जो सिनेमा हॉल थे, ऑडिटोरियम है, इस तरह की जो बैन थे पहले, उनको खोल दिया जाएगा। एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं अनलॉक की प्रक्रिया जो फरवरी से फिर से स्टार्ट होगी, अब नए तरीके से स्टार्ट होगी, मतलब कि जो आउट ऑफ कंटेनमेंट जोन है वहां पे जो रूल्स लागू होंगे वो इस तरह के होंगे कि सिनेमा हॉल में जो कैपेसिटी थी उससे ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। तो ये भी था, 1 फरवरी से किसी भी तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया की नहीं चालू हो रही है, इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भी पहले से ऐलान हो चुका था कि 31 तारीख तक बंद है, और सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी इस बात को कह दिया था, क्लियर कर दिया था कि हम हो सकता है मार्च अप्रैल तक फ्लाइट चालू न करें। जॉब के लिए भी जाने वाले लोग हैं, वंदे भारत मिशन चालू है, 51 लाख लोगों से ज्यादा फैसिलिटेट किया जा चुका है, वंदे भारत मिशन के थ्रू लोगों को लाया जा चुका है, छोड़ा जा चुका है उनकी कंट्री, लेकिन अभी भी एयर बबल अग्रीमेंट जो है वो केवल 24 कंट्रीज के साथ में है, और 24 कंट्रीज के साथ में जो कुवैत भी है और बहरीन, ओमान, दुबई, लेकिन सऊदी अरब फिर भी नहीं है। तो अगर सऊदी अरब से एयर बबल अग्रीमेंट नहीं चालू होता है तो ये आप समझ लें कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं
उनके साथ में और ज्यादा परेशानियां बढ़ने वाली हैं। और जो कंसल्टेंट हैं जो सऊदी अरब का ही 90-95% काम करते थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100% काम करते थे, तो उनके साथ भी बहुत बड़ी सिचुएशन एक सामने खड़ी होती है कि अब वो कैसे हैंडल करेंगे उस मैन पावर को और उस ऑफिस को जो चला रहे थे। तो फिलहाल ये जो ब्रेकिंग न्यूज थी, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी मिल गई होगी, 17 मई 2020 को अब जो भी ओपनिंग होगी लैंड बॉर्डर थी, ये सब 17 मई से चालू होंगे। और उसके पहले अभी तक जितने इंटरव्यूज हुए हैं, जितने बहुत सारे कंपनीज ने सऊदी अरब के इंटरव्यूज भी लेना चालू कर दिया था, और बहुत सारे जो जॉब कंसल्टेंट है यहाँ पे, जो ओवरसीज कंसल्टेंट ओवरसीज मैन पावर है, उन लोगों ने भी इंटरव्यू कराना चालू कर दिया था सऊदी अरब का, ये सोच के कि हो सकता है फ्लाइट वगैरह चालू हो जाएंगे। लेकिन अब उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो इंटरव्यूज लिए गए हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे इस तरह के होते हैं कि इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन हो सकता है अगर एक महीना उनको वेट करना पड़ा तो किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं और दूसरी कंपनी में अप्लाई कर देते हैं, दूसरी कंट्री में अप्लाई कर देते हैं, और इस तरह से मैन पावर कंसल्टेंट की सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। और कई सारे कैंडिडेट्स भी इस तरह के होंगे जिन्होंने हो सकता है पासपोर्ट भी सबमिट कर दिया हो ऑफिस में, हो सकता है कुछ एडवांस पेमेंट भी दे दी हो इस उम्मीद में कि भाई जब फ्लाइट होगी तो वो चले जाएंगे, तो हो सकता है उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए। क्योंकि मैन पावर में ऐसा अक्सर होता है कि पासपोर्ट या तो आपको एडवांस पेमेंट देनी पड़ती है, लेकिन सऊदी अरब में फिलहाल जैसे कि सबको पता है कि अभी कोई फ्लाइट चालू नहीं है, ना ही वहां पे वीजा सबमिशन हो रहा है, एम्बेसी में नॉर्मल वीजा सबमिशन नहीं हो रहा है, तो इस तरह से लोगों को जानकारी भी है, लोगों को डाउट भी है, दुविधा भी है। तो देखिए आगे चल के क्या होता है, सऊदी अरब और क्या ऐलान करने वाला है इस तरह के, और क्या रूल चेंज करने वाला है, क्योंकि अभी भी सऊदी अरब जाने वाले लोग जो हैं वो दुबई से होके जा रहे हैं, और दुबई में भी जैसे कि क्वारंटाइन आपको होना है तो पहले आप यहां से पीसीआर टेस्ट लेके जाएं दुबई के लिए, 72 घंटे वैलिड होना चाहिए, फिर दुबई से जब आप सऊदी जाएंगे तो वो 48 घंटे ही केवल वैलिड मीन्स की माना जाएगा, 48 घंटे के अंदर अंदर आपको वहां पहुंच जाना है, अगर 48 घंटे से ज्यादा हो गया तो वो इनवैलिड पीसीआर माना जाएगा आपका। तो ये भी चीजें हैं, बहुत सारे नए नए रूल्स आ रहे हैं, आखिरकार सऊदी अरब चाहता क्या है, किस तरह से अपनी इकोनॉमी को वो बढ़ाएगा, और सऊदी अरब को ऐसा लगता है कि उसको जरूरत ही नहीं है अब लोगों की, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि जो 2020 में 3 क्वार्टर के अंदर अंदर 257,000 लोगों को निकाला गया था। अगर आपको नहीं पता तो आप ये देख सकते हैं कि 257,000 लोगों को निकाल के उनके अपने लोगों को ही नौकरी देने का ये ऐलान किया था, और अपने लोगों को नौकरी दी है। उसका मकसद सिर्फ ये है सऊदी अरब का कि जो बेरोजगार उनके कंट्री में हुए हैं सबसे पहले उनको नौकरी मिल जाए, और उसके बाद बाकी के जो अदर कंट्रीज से आएंगे उन लोगों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन तब तक के लिए हो सकता है जब तक सेटअप करने में भी टाइम लग जाएगा, और जब हो सकता है लेबर क्लास की कोई और जॉब बचेगी तब वो बाहर के अपनी कंट्री के सिवा जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए रखेंगे, क्योंकि अब सऊदी अरब के बहुत सारे कानून आ गए हैं जो बड़ी प्रोफाइल जो वाइट कॉलर प्रोफाइल है उसमें बहुत कम बाहर के लोगों को हायर करते हैं वो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सिविल कैटेगरीज देखते होंगे कि यहाँ पर हायरिंग होती है। तो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि अब जो बैन हो गई हैं फ्लाइट्स फिर से बढ़ा दी गई हैं, तो जॉब सीकर्स के लिए मैन पावर ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी इस पे कदम उठाना चाहिए था, लेकिन अभी तक एयर बबल अग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ नहीं हुआ है। नीचे कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, अभी जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये बहुत इमरजेंसी थी न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही सेल्फी वीडियो में बता दूं। जानकारी ज़रूरी है, वीडियो कैसा है ये मैटर नहीं करता है। तो चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय।